नमस्कार दोस्तों, माई बिग आइडियाज़ में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज अभी बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है कि जो सीएससी बेली भाई ई श्रम कार्ड बना रहे थे, तो उनके जो कमीशन है उनका कमीशन सारा उनके अकाउंट में आ चुका है। तो दोस्तों, वो अकाउंट में किस में आया है, तो दोस्तों उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ पाने के तो लिए। मित्रों, मित्रों, अगर आपके मोबाइल में डिजीपे डाउनलोड नहीं है तो अपना प्ले स्टोर से डिजीपे डाउनलोड कर लीजिए, और जिन सीएससी बिली भाई का डिजीपे डाउनलोड है तो वो यहाँ से अपना ओपन करेंगे और अपनी जो डिवाइस है वो प्लग इन कर लेंगे। प्लग इन करने के बाद ओटीजी ऑन करके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपनी जो सीएससी आईडी है वो सीएससी आईडी डालेंगे, और जिस जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आप गेट ओटी पर क्लिक करेंगे और जनरेट ओटी पर क्लिक करेंगे तो आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी पहुंच जाएगी। और जैसे ही ओटीपी पहुंचेगी, यहाँ पर अपनी जो ओटीपी है वो डाल देनी है। हम फटाक से डाल देते हैं, तो यहाँ से डालकर बस हम प्रोसीड करते हैं। यहाँ से चेक करेंगे और फिर से सेलेक्ट करेंगे डिवाइस अपनी, और डिवाइस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम फिंगर रखेंगे और देख सकते हैं कि जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुली हो चुका है, अथेंटिकेट्स और जो आईडी है वो सक्सेसफुली खुल चुके हैं। आप देख सकते हैं कि मेरी जो डीजीपी की जो कमीशन है वो 3100 रुपये आई है। हम आपको दिखा दें, आप विश्वास नहीं करेंगे, तो हम पासबुक में सबसे पहले जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि जो 2823 रुपये 19 तारीख को अभी अभी जो पैसे हैं वो ट्रांसफ़र किए गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ई श्रम कार्ड कमीशन, यहाँ पर भी देख सकते हैं, तो ये जी है सारा कुछ है इसमें, जो कमीशन है वो भेजी गई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।